तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज मेरे पास में आया है एक ये इंडक्शन। इस इंडक्शन में कुछ बटन काम नहीं कर रहे और वो क्यों काम नहीं कर रहे वो मैं अभी आपको यहाँ पे पूरी चीजें समझाने वाला हूँ। और अगर बटनों में प्रॉब्लम है तो हम वो बटन भी चेंज करेंगे। और ये ऐसा होता क्यों है कि इंडक्शन के अंदर कई बार स्टार्ट बटन काम नहीं करता, कई बार टेम्परेचर बटन काम नहीं करते, ऐसा होता क्या है इसके अंदर जो ये समस्या आती है? तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। और तो सबसे पहले हम इसके बटन चेक करेंगे, अगर बटन खराब है तो बटन रिप्लेस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है जिसमें भी इस तरह के जो बटन होते हैं ना, ये जो पुश बटन ये खराब हो जाते हैं, चाहे अब वो कोई भी अप्लायंसेस हो। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं टेबल पे आ चुका हूं और मैं इसे एक बार आपको चालू करके दिखाता हूं। मैं यहां पे इसे प्लग इन करता हूं और ये देखिए ये ऑन हो चुका है। और मैं यहां पे कोई भी बटन दबा रहा हूं तो कोई काम नहीं कर रहा, और ये ऑन ऑफ का जो बटन है ये भी काम नहीं कर रहा, कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। हाँ ये देखिए, ये टाइमर का बटन काम किया, लेकिन ये टाइमर ही चला है बस, और कुछ नहीं चला। ये देखिए ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन ये ऑन ऑफ का बटन काम करना चाहिए, ये काम नहीं कर रहा। तो चलो इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये तो टाइमर जो चालू हुआ था वापस रुक गया, जो पंखा चालू हुआ और फिर से रुक गया। तो मैंने इसे ऑलरेडी खोल के रखा है, तो ये देखिए पहले से पेज खोल के रखे ताकि हमारा टाइम बचे। और मेरे पास में ये जो यहाँ पे ये रहा ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इसको शॉर्ट करके देखता हूँ कि ये शॉर्ट करने पे चालू होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए मुझे वापस इसे प्लग में लगाना पड़ेगा और मैं इसे ऑन करता हूँ। तो ये देखिए चालू हुआ और यहाँ पे एक लाइट भी दिख रही है, और ये देखिए यहाँ डिस्प्ले में भी लाइट आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ इसको शॉर्ट करता हूँ। तो इसको शॉर्ट कैसे करना है, ये जो आपस में यहाँ पे ये दोनों तो आपस में जुड़े हुए हैं और ये देखिए ये अलग है, तो इन दोनों को अगर टच करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है इन दोनों को टच करना है। ओके चल गया ये, तो इसका मतलब है कि ये बटन में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी कोई बटन काम नहीं कर रहा और यहाँ पे एरर आ रहा है। तो शायद मैं ये पानी का भगोना रखता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। ओके ये चल पड़ा, और अब देखते हैं। ओके डाउन वाला काम नहीं कर रहा, तो इसमें ये वाला बटन काम नहीं कर रहा, ये वाला बटन काम कर रहा है, ये 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 भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये टाइमर है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है, और ये काम नहीं कर रहा। ये एक, ये दो और ये तीन बटन इसमें काम नहीं कर रहे। तो इधर से ये तीसरा और यहाँ का ये वाला और यहाँ का ये ऑन ऑफ का। तो इसका मतलब ये है कि इसके बटन में ही प्रॉब्लम है। और ये देखिए पानी जो है उबल चुका है, और ये देखिए उठाने के बाद में E0 एरर भी आ गया इसमें। तो इसमें कुल मिला के जो है इसके स्विच के अंदर ही, पुश बटन के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो चलो इसे बंद करते हैं और अब हम क्या करते हैं इसका कंट्रोल पैनल खोलते हैं। ये हमने यहाँ से खोल दिया, अब हम इसका कंट्रोल पैनल यहाँ से निकालते हैं। तो ये मैंने कंट्रोल पैनल निकाल दिया है। अब इसके अंदर जो है, तो यहाँ पे देखिए पैनल के ऊपर भी लिखा हुआ है ये ऑन ऑफ का बटन, और ये हमारा तीसरा वाला बटन, और इधर से ये वाला बटन। तो ये एक, ये दो और ये तीन बटन काम नहीं कर रहे। तो इसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूटी बोल रही है तो हो सकता है कि कहीं पे पीसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर नहीं बोल रही है तो इसका मतलब है कि ये स्विच खराब है, पुश बटन। तो ये हम तीनों के तीनों चेंज कर देंगे। इस तरह के पुश बटन मेरे पास में पहले से है, तो ये मुझे मिल गए पुश बटन। तो मुझे तीन बटन काम आने वाले, तो मैं तीन बटन का इस्तेमाल करूंगा, बाकी रख दूंगा। इन बटनों को लगाने से पहले मैं इनके बटन को कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा, कॉन्टिन्यूटी अगर बोल रही है तो ओके है, अगर नहीं बोल रही है तो हम इसके बटन चेंज कर देंगे। तो चलो मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूं। तो आज मैं कॉन्टिन्यूटी मल्टीमीटर से चेक करूंगा। मल्टीमीटर पे हमें कॉन्टिन्यूटी सेलेक्ट कर लेनी है, बीप साउंड वाली। ये देखिए ये साउंड आ रहा है, और ये है हमारा ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पे है ये वॉल्ट कम ज्यादा करने के। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये खराब है। ऐसे कॉन्टिन्यूटी आ रही है और पुश बटन दबाने पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, तो ये बटन भी खराब है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ ये पुश बटन ही खराब है, पीसीबी को कुछ नहीं हुआ। तो चलो फटाफट मैं इसके बटनों को रिमूव करता हूँ और नया बटन लगाता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला बटन रिमूव करता हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने तीनों बटन यहाँ से एक दो और ये तीनों बटन मैंने निकाल दिए। अब फटाफट नया बटन लगा के इसको शोल्डरिंग करके चालू करके देखते हैं। इन स्विचों को लगाने से पहले इसमें हमें चेक कर लेना है, ये जो स्विच के अंदर आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन आपस में टच है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये वाले पॉइंट से ये पॉइंट पे सप्लाई जाएगी, और ये सप्लाई एक ही होती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी कॉन्टिन्यूटी से पता चल जाता है। जब मैं इसे यहाँ पे ऐसे चेक करके और यहाँ लगाऊंगा, देख रहे हो ये चालू हो रहा है। तो ये वाली जो सप्लाई है, ये जो इसके ऊपर लाइन बनी हुई है, ये आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इस तरफ की सप्लाई इन दोनों पॉइंटों पे चले जाती है, इन दोनों पॉइंट से इन दोनों पॉइंट पे चले जाती है। तो ये पुश बटन इस तरह से काम करता है। तो मेरे समझ में आया, तो चलो अब इसे फटाफट लगा देते हैं।
ये देखिए, तो ये लग चुके हैं। अब इसके ऊपर फटाफट हम शोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये देखो, ये मैंने शोल्डरिंग कर दी और ये तीनों नीले बटन अलग ही दिख रहे हैं इसके अंदर, और ये देखो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलो अब मैं इसको इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ और फिर चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, अब इसे यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं और यहाँ पे इसे चालू करके देखते हैं, और इसे मैं प्लग इन कर लेता हूँ। तो ये देखो ये चालू हो गया, और अब देखते हैं। ओके, ये चालू हो गया, वाह ये चल गया। ये देखिए ये टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, ये टेम्परेचर है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, देखिए टेम्परेचर सेल्सियस ऊपर लिखा हुआ है। अब कोई बोलेगा कि वाट हो रहा है कम, तो वाट नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 1800 2000 वाट तक है ये, और 300 वाट मिनिमम है इसका। और टेम्परेचर देखो 80 है, ये देखिए बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है। और ये तीसरा बटन भी देखिए काम कर रहा है आराम से, ये यहाँ पे लाइट जल गई बटन के पास में, ये काम कर रहा है, तो ये वर्क करने लग गया। तो इसमें यही समस्या थी, इसके ये जो पुश बटन है, ये स्विच है, ये खराब हो गए थे, इसको हम बोलते हैं पुश बटन। तो ये देखिए बंद भी हो गया आराम से, और ये अच्छे तरीके से वर्क करने लग गया। तो इसमें यही समस्या थी। तो इसमें क्या होता है कि ये अक्सर ये वाले जो पुश बटन है ये खराब हो जाते हैं। इसका खराब होने का एक ही कारण है कि हम इसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। जो भी बटन को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, जो भी चीज को हम वर्किंग में लेंगे, वो एक दिन खराब होती ही होती है, चाहे वो माइक्रोवेव का हो, इंडक्शन का हो, या किसी भी अप्लायंसेस का हो। जिस बटन को हम बार बार बंद चालू करते हैं, वो बटन एक दिन खराब होगा, चाहे वो घर का मेन स्विच ही क्यों ना हो, वो भी एक दिन खराब हो जाता है। अगर आप उस स्विच को इस्तेमाल करोगे ना, तो वो कभी खराब नहीं होगा। अब इसमें से देखिए, ये कई बटन जो है आराम से काम कर रहे हैं, इसमें जो बटन हमेशा यूज में लेते हैं वो बटन इसमें काम नहीं कर रहा, जैसे कि ये वाला बटन नहीं कर रहा था, ये वाला नहीं कर रहा था, ये वाला नहीं कर रहा था। तो देखा दोस्तों कि हमने कैसे इसके बटनों को चेंज किया, कुछ बटन खराब हो गए थे तो वही इसमें नए डाल दिए और ये चालू हो गया। तो जैसे कि मैंने बोला कि अक्सर जो बटन हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो बटन खराब होता ही होता है। अगर उसमें पुश बटन लगा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी चेंज किया है, तो उस तरह से उसका पुश बटन चेंज देंगे तो आपका चाहे माइक्रोवेव हो या इस तरह का इंडक्शन हो काम करने लगेगा। अगर उसमें कुछ और तरीके का बटन हो, जैसे कि मेम्ब्रेन कीपैड होते हैं, उसके अंदर जो है वो पूरा एक कीपैड बना हुआ होता है, उसमें तो वो पूरा चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप वो चेंज कर देंगे तो आपका बटन काम करने लगेगा। और मेम्ब्रेन कीपैड जो है इंडक्शन के अंदर भी आते हैं किसी किसी मॉडल में, हर किसी में नहीं आते, किसी में टच आते, किसी में पुश बटन आते हैं। तो ज्यादातर मेम्ब्रेन कीपैड माइक्रोवेव के अंदर आते हैं और कई अप्लायंसेस के अंदर आते हैं, तो उसके लिए तो आपको उसका कीपैड चेंज करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये पुश बटन कितने के आते हैं, काफी सारे दोस्तों को पता ही होगा, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन आपके आसपास के मार्केट में भी बड़े आराम से मिल जाता है। बस ध्यान रखिए कि पुश बटन का ये जो ऊपर का माथा होता है ना, दबाने वाला ये माथा, ये जो आवाज आ रही है ऊपर का माथा, ये माथा किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बिल्कुल पतला होता है, तो ये आपको देख के लेना पड़ेगा। अब मेरे पास में सेम टू सेम पड़ा था, 19-20 चल सकता है, लेकिन 19-25 या 19-23-22-23 ऐसे नहीं चलता, 19-20 चल सकता है 1%। तो मैंने जो लगाया इससे थोड़ा सा बड़ा था उसका माथा, लेकिन मैं उसका गैप देख लिया, वहां पे गैप है या नहीं। अगर उसके बीच में और ऊपर से दबाने वाले पुश के बीच में अगर कोई गैप नहीं होगा तो वो बटन आपका काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको सेम टू सेम बटन ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना बटन को निकालिए, उसे चेक करके निकालिए, फिर दुकान पे लेके जाइए और वहां पे उस बटन को मैच करके लेके आइए। अगर आपको मैचिंग बटन मिल जाता है तो ही आप उसे लगाइए, वरना ज्यादा बड़ा या ज्यादा पतला या ज्यादा छोटा माथे का अगर आप लगाएंगे तो वो बटन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब एक सवाल, काफी सारे नए टेक्नीशियनों को ये समझ में नहीं आता कि अब ये तो काम कर लिया, अब इस काम के पैसे कितने ले। तो देखिए ये जो बटन है ये आपको मार्केट में जाने के बाद में उसकी रेट पता चल जाएगी, ऑनलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने का मिलता है, और मैं तो इसके सिर्फ 150 रुपए लेने वाला हूं। तो अब 150 रुपए में आप ये समझ लीजिए कि हमने इसमें सिर्फ 50 रुपए के स्विच लगाए हैं, 50 रुपए से कम के स्विच लगाए, लेकिन हमारी मेहनत जो है उसमें लगी है, इस हिसाब से हम उसके राउंड फिगर पैसे जो बनते हैं वो 150 रुपए चार्ज ही लेंगे बटन लगाने के साथ में। तीन बटन लगा दिए, और तीन बटन नॉर्मली अगर आप 10 रुपए का भी एक बटन पकड़ते हैं तो आपको 120 रुपए आपके मेहनत के मिलते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगा, यहाँ पे फटाफट काम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा उस। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपनों का और अपना ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।